अपनी एजुकेशन एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। पिछले कुछ समय पहले जो है बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान के पुत्र आर्यन खान की गिरफ्तारी और जेल में निरुद्ध होने के बाद विभिन्न प्लेटफॉर्म पर उनके बारे में जो है चर्चा होने लगी कि वो किस हद तक का मामला है, उसमें उन्होंने ड्रग्स लिया था, ड्रग्स रखा था या नहीं रखा था, उन्हें निरुद्ध किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए। इन सभी बिंदुओं पर जो है लगातार चर्चा और परिचर्चा प्रस्तुत किया जा रहा है। हालांकि यहाँ पर हम उसके लीगल जो एस्पेक्ट्स हैं, उसके कानूनी जो पक्ष हैं, उसका विश्लेषण हम लोग नहीं कर रहे हैं कि उनके पास ड्रग्स थे, उन्होंने ड्रग्स लिया था या नहीं लिया था, उसमें कितनी सजा होनी चाहिए। इन सभी बिंदुओं को हम लोग जो है एक साइड में रख करके केवल इस पक्ष के जो है नैतिक और मानवीय तथा मूल्यों पर आधारित जो है पक्षों का विश्लेषण करने का जो है प्रयास करते हैं। इस केस में जो है एक बात तो विचारणीय है कि क्या सभ्य सांस्कारिक और सफल जीवन के लिए जो है केवल पैसा ही महत्वपूर्ण है। कम से कम इस केस के संदर्भ में इसका विश्लेषण इस आधार पर महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि बॉलीवुड के किंग खान आज दौलत और शोहरत के आधार पर अगर देखा जाए तो इस स्थिति में है कि वह कल्पना की किसी भी चीज को खरीद सकते हैं। दूसरी बात यह है कि अगर आर्यन खान के द्वारा किसी फिल्म का अभिनय किया गया होता और वो फिल्म जो है पर्दे पर आ गई होती तो भारत के जो है लाखों और करोड़ों युवा जो है उन्हें अपना जो है अभिष्ट बना लेते, उन्हें अपना जो है आदर्श बना लेते। तो इन बातों की पृष्ठभूमि में जो है इस बात को जो समझना आवश्यक है कि मेहनत, परिश्रम, अनुशासन, इन सभी जो है पक्षों का मूल्य व्यक्ति में निहित होना चाहिए। इनके मूल्यों से जो व्यक्ति का परिचय होना चाहिए और व्यक्ति के पास जब तक ये मूल्य नहीं होते हैं वो जिंदगी के धरातल पर जो कोई भी महत्वपूर्ण कार्य, कोई महत्वपूर्ण उपलब्धि, कोई महत्वपूर्ण नेतृत्व या लोगों के लिए जो इंस्पिरेशन का स्रोत नहीं बन सकता है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति के पास जो यथार्थ जीवन के जो पक्षों को समझने और विश्लेषण करने की क्षमता होनी चाहिए और उसके पास जो है मेहनत, अनुशासन, परिश्रम के जो है मूल्य होने चाहिए और एक पिता के लिए, एक गार्जियन के लिए, एक संरक्षक के लिए जो है यह महत्वपूर्ण बात है समझने की कि वह अपने पालियों में अपने जो है संतानों को जो इस तरीके का मूल्य सिखाए जिससे वह व्यक्ति और समाज के जो वास्तविकता को स्वीकार कर सकें और इस जीवन में जो है इस तरीके की एक्टिविटी कर सकें कि लोगों के लिए जो है वो आदर्श बन सके। तो इन सभी बातों की पृष्ठभूमि में यह निष्कर्ष निकलता है कि केवल पैसा और केवल दौलत ही जो है एक ऐसा पक्ष नहीं है जो व्यक्ति को जो शांति, सुखद, सफल, सांस्कारिक जीवन जीने का जो है एक आधार प्रस्तुत करता है। उसके साथ साथ जो है व्यक्ति के लिए यह आवश्यक है कि मूल्य, नैतिकता और आदर्श भी जो है महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं और प्रत्येक जो है अभिभावक को अपने बच्चों में इस तरीके की सीख देना आवश्यक है। वह ड्रग्स में संलिप्त थे या नहीं थे यह भी कुल मिलाकर के इन्वेस्टिगेशन और कोर्ट के जो है अंतर्गत जो विचाराधीन मामला है उस पर किसी भी तरीके की कोई बात करना जरूरी नहीं है। लेकिन इतना तो एक बात इस मामले में साफ है कि वह कहीं पर जो है जिम में, वर्कआउट में, खेल में, मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक में नहीं गए थे। कुछ विशिष्ट प्रकार की जगह थी जहां पर कुछ ड्रग्स पाए जाने के भी जो है प्रमाण प्राप्त हुए हैं जो अलग अलग एजेंसियों के द्वारा बताई गई हैं। तो ऐसी स्थिति में कुछ सामान्य न होकर के एक विशिष्ट जगह थी और इन्हीं बातों की पृष्ठभूमि में ये बातें हैं कि केवल दौलत ही जो है महत्वपूर्ण नहीं है बल्कि संस्कार, मूल्य, नैतिकता, मेहनत, अनुशासन, परिश्रम का भी जीवन में जो है महत्वपूर्ण रोल होता है। इसी बीच एक और महत्वपूर्ण न्यूज ये आ रही है कि उनके रिहाई के लिए जो है उनकी रिहाई के लिए विदेशों से वकील को भी जो है हायर किया गया है, किराए पर लिया गया है। यहाँ पर एक बात जो है ध्यान में रखने की आवश्यकता है कि अगर आपके पास दौलत है तो किसी भी कार्य के लिए आप वकीलों को किराए पर ले सकते हैं लेकिन ध्यान रहे कि आप कानून को किराए पर नहीं ले सकते हैं और कानून को खरीदा नहीं जा सकता है। इसलिए ये आवश्यक है कि अपने बच्चों में जो है इस तरीके का जो सीख, इस तरीके के मूल्य को पैदा करने का प्रयास कीजिए कि ताकि वो जो है कानून के दायरे में पहले से रहें और कानून को खरीदने की जरूरत ही ना पड़े। इन सभी बातों के बाद एक और निष्कर्ष निकल करके सामने ये आता है कि क्या ऐसी परिस्थिति में व्यक्ति को जो फिल्में नहीं देखनी चाहिए। इसके बारे में जो है एक यही बात है कि आपको सफल लोगों के, जिन लोगों ने कुछ कार्य किया है, जिन्होंने अपने व्यक्तित्व और कृतित्व से जो एक कीर्तिमान समाज में स्थापित किया है, उनके बायोग्राफी पर आधारित जो है सफल और पावरफुल मूवीज देखिए जिससे आपको एक इंस्पिरेशन मिलता है। भाग मिल्खा भाग की जो है अगर कहानी और फिल्में आप देखते हैं तो वहां से आपको हर लाइन और हर जो है उसके अगले भाग से आपको इंस्पिरेशन मिलता है जीवन में आगे बढ़ने की जो है एक
विश्वास मिलता है, एक स्रोत मिलता है, और वहां से आप जो है सीख करके आगे आप जो है दुनिया में जो है बढ़ सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो है अभिभावक के लिए यह महत्वपूर्ण है कि वो अपने बच्चों की जो है एक बेहतर परवरिश करें, बच्चों को एक सहज और सरल बनाने का जो है प्रयास करें, और बच्चों के लिए जो भी एक महत्वपूर्ण संदेश यह है कि वो अनुशासन के भाव को अपनी जिंदगी में जरूर उतारने का जो प्रयास करें, ताकि जो एक सरल और सफल जो है जीवन जो है वो जी सकें और जिंदगी में जो है आगे बढ़ सकें। इसलिए आप अपने जीवन में जो है आदर्श कभी रील नहीं बल्कि रियल को बनाने का जो है प्रयास कीजिए। तो इसी उम्मीद के साथ जो है उम्मीद करता हूँ कि जो है आप लोगों को जो है इस संक्षिप्त लेक्चर के माध्यम से एक सीख मिली होगी जिससे आप अपने जीवन में आगे बढ़ने का जो है काम करेंगे। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, अगले लेक्चर में पुनः इसी तरीके की किसी महत्वपूर्ण जानकारी के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।